स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। अगर आप भी प्लान कर रहे हो इंडिया के बाहर ट्रैवल करने का एज अ टूरिस्ट या फिर स्टूडेंट और अपने लिए एक बेस्ट फॉरेक्स कार्ड लेना चाहते हो जो जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस के साथ में आए विद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, तो उस केस में आप नियो एसबीएम बैंक के डेबिट कार्ड को देख सकते हो, क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स आपको नियो एसबीएम बैंक के डेबिट कार्ड पर मिल जाएंगे। और ये कार्ड 2-in-1 कार्ड की तरह काम करता है, यानी कि इंडिया के बाहर ये कार्ड एज अ फॉरेक्स कार्ड काम करेगा और इंडिया में जब इस कार्ड को यूज करोगे तो ये एक नॉर्मल डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। और भी काफी सारे प्रीमियम बेनिफिट्स इस डेबिट कार्ड पर मिलते हैं, तो सब कुछ बताता हूं पूरी डिटेल में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। नियो एसबीएम बैंक के डेबिट कार्ड को पर्सनली मैंने भी यूज किया था 2022 में, जब मैं सिंगापुर ट्रैवल किया था तो इसी कार्ड को यूज किया था। लेकिन लास्ट ईयर 2023 जनवरी के अंदर में आरबीआई ने इस कार्ड पर बैन लगा दिया था इसके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर। नाउ ये बैन हट चुका है, तो अब आप नियो एसबीएम बैंक के डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। और पहले से अगर आपके पास में ये कार्ड है तो दोबारा से रीकेवाईसी करके कार्ड को एक्टिवेट कर लीजिए, फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अब जान लेते हैं इस कार्ड पर मिलने वाले सारे बेनिफिट्स के बारे में। देखो, अब अगर आपको नियो एसबीएम बैंक का डेबिट कार्ड चाहिए तो सबसे पहले एसबीएम बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा नियो ग्लोबल की ऐप से, तो ऐप में जाके आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर सकते हो। सक्सेसफुली एसबीएम बैंक में आपका जीरो बैलेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो कुछ भी आपको इनिशियली डिपॉजिट नहीं करना है, ना ही कुछ आपको मेंटेन करना है मंथली वाइज, क्योंकि ये एक नॉर्मल जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। इसी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट पर एनुअली अप टू 7.25% का इंटरेस्ट भी मिलेगा और इंटरेस्ट को आप मंथली पे आउट कर सकते हो। इस नियो एसबीएम बैंक के डेबिट कार्ड पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिलता है। एनुअली इसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है। क्वार्टरली 1 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि एक क्वार्टर में मिनिमम 50,000 या फिर उससे ज़्यादा आपको इंटरनेशनली स्पेंड करना होगा, उसके बाद में ही एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का पास दिया जाएगा जिसको जाके यूज़ कर सकते हो। पहले के टाइम पर इसमें डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता था, अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का ही बेनिफिट मिलता है। नियो एसबीएम बैंक का डेबिट कार्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस की वजह से, यानी कि इस कार्ड का यूज़ करके अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो ऑनलाइन, POS, टैप एंड पे, किसी भी मेथड से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर इस कार्ड से होती है तो उस पर फॉरेक्स चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। नॉर्मली हमारे पास में जो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होते हैं, इससे अगर इंटरनेशनल आप ट्रांजैक्शन करोगे तो 3 से 4% की फॉरेक्स फीस लगेगी, फिर उस पर 18% की GST लगेगी, तो वो सारे चार्जेस बच जाएंगे अगर आप नियो एसबीएम बैंक के डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करोगे। और सबसे अच्छी बात इस कार्ड की ये है कि ये रियल टाइम करेंसी को कन्वर्ट करता है, तो जिस टाइम आप पेमेंट करोगे सेम टाइम पर ये करेंसी को कन्वर्ट करके आपकी पेमेंट को सक्सेसफुली कर देगा। और इस डेबिट कार्ड को आप 130+ कंट्रीज के अंदर में यूज कर सकते हो और ये 180+ करेंसीज के अंदर में पेमेंट कर सकता है। नॉर्मली जो फॉरेक्स कार्ड आते हैं दूसरे बैंक्स के, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन फॉरेक्स कार्ड से आप 25 से लेकर 30 करेंसीज के अंदर में ही पेमेंट कर सकते हो। वहीं पर नियो एसबीएम बैंक के डेबिट कार्ड से आप 180+ करेंसीज के अंदर में पेमेंट कर सकते हो, तो ये वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट हर कंट्री में काम करेगा। और जब आप नियो एसबीएम के डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो अप टू 7 लाख रुपीज तक के स्पेंड पर TCS एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी स्पेंड एनुअली 7 लाख से ज़्यादा हो जाती है इंटरनेशनली, देन फिर TCS आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी स्पेंड 7 लाख रुपए से कम है और किसी रीजन से TCS अगर डिडक्ट हो रहा है तो कुछ ही घंटे के अंदर में वो TCS फिर से आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। और इस डेबिट कार्ड का यूज़ करके अगर आप इंटरनेशनली ATM से कैश विड्रॉल करते हो तो पर ट्रांजैक्शन 423 रुपीज़ प्लस GST की आपको फीस देनी पड़ेगी एवरी ट्रांजैक्शन पर। तो मेरा सजेशन ये है कि जब कभी आपको कैश की नीड हो दूसरे कंट्री में तो आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा कैश विड्रॉल कर लो, क्योंकि जितनी बार आप कैश विड्रॉल करोगे 420 रुपीज़ प्लस GST की आपको फीस देनी पड़ेगी। नियो के एसबीएम बैंक का ये जो डेबिट कार्ड है इसकी एनुअल फीस भी बिल्कुल जीरो है। आप कार्ड को यूज़ करो या फिर यूज़ ही ना करो, दोनों ही केसेस में आपको एनुअल फीस नहीं देनी है। मैं 2022 से इस कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मैंने एक भी रुपये की पेनल्टी नहीं दी है, ना तो कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज और ना ही कार्ड की कोई एनुअल फीस। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप रेगुलरली ट्रैवल नहीं करते हो, 2-3 साल में आप किसी कंट्री में जाते हो, देन इस कार्ड को ले सकते हो, क्योंकि इस कार्ड के पीछे आपको एक भी रुपए की कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। जब आप नियो एसबीएम बैंक में अपना अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर लेते हैं तो उसी ऐप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप फिजिकल कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो। और कार्ड डिलीवरी टाइम जो है 3 to 5 वर्किंग डेज का है, क्योंकि ये प्राइवेट कुरियर का यूज करते हैं तो कार्ड की डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट मिलती है। इस नियो ग्लोबल का ऐप काफी ज्यादा पावरफुल है। सिंगल ऐप के अंदर में आप मल्टीपल्स जो है वो काम कर सकते हो, जैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो, डेबिट कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो, रियल टाइम करेंसी कन्वर्ट कर सकते हो, वीजा अप्लाई कर सकते हो, आपकी जो इंटरनेशनल स्पेंड्स हुई हैं उनको ट्रैक कर सकते हो, डोमेस्टिक स्पेंड्स को देख सकते हो और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। तो सिंगल ऐप है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। अब जानते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनकी रिक्वायरमेंट होगी जब आप नियो एसबीएम बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करोगे। तो आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इनकी बेसिस पे आप नियो एसबीएम बैंक का डेबिट कार्ड ले सकते हो और इस कार्ड को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपका प्लान है 2-3 महीने बाद ट्रैवल करने का तो अभी आप इस कार्ड को अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वीज़ा या फिर फ्लाइट टिकट रिटर्न कंफर्म नहीं चाहिए, जस्ट आपका पासपोर्ट होगा तभी ये कार्ड आपको मिल जाएगा। और नियो ग्लोबल ऐप का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप नियो ग्लोबल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और उसी ऐप से अपना अकाउंट भी सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हो। सो ओवरऑल कुछ यही सारे बेनिफिट्स नियो एसबीएम बैंक का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अब कंक्लूजन की बात करें तो पर्सनली इस डेबिट कार्ड को मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 2022 में मैंने लिया था और फर्स्ट ट्रिप मेरी सिंगापुर की हुई थी। 2 साल में मैंने अभी तक ₹1 का मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। इंडिया में नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इंटरनेशनली ये फॉरेक्स कार्ड की तरह भी काम करता है और मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। 0 फॉरेक्स मार्कअप फीस, रियल टाइम करेंसी कन्वर्जेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और बहुत ही मिनिमल डॉक्यूमेंट्स इस फॉरेक्स कार्ड को लेने के लिए। तो अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इस कार्ड से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।